नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ ओम चैंटिंग की महत्वता के बारे में। देखिए, मॉर्निंग में ग्रीन जूस लेने के बाद मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ और सभी एक्सरसाइजेस ख़त्म होने के बाद सबसे आखिर में ओम चैंटिंग मैं करता हूँ। और मेरी सभी एक्सरसाइजेस फिक्स है, मतलब कि जो एक्सरसाइजेस मैंने करना है वो डेली बेसिस पे करना ही करना है, उसमें से एक भी एक्सरसाइज जो है मिस नहीं होगी। मान लो अगर 7 एक्सरसाइजेस मैं कर रहा हूँ तो डेली करूँगा, तो ओम चैंटिंग भी उसी में है। ये भी मेरे लिए एक एक्सरसाइज है। शुरू शुरू में देखें ओम चैंटिंग में करता था ओम का उच्चारण, तो मेरे को यहाँ पे जो है जब मैं ओम में होता क्या है, देखिए जब आप करेंगे ना ओ, तो यह यहाँ पे खिंचाव पड़ता है, मतलब कि यहाँ से सांस अंदर को जाती है। ये देख रहे, ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे खाना सबसे पहले पहुँचता है, ये स्टमक है। तो यहाँ जो है मैं कर नहीं पाता था ओम चैंटिंग, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने एसिडिटी को झेला हुआ है तकरीबन 1.5 से 2 साल। एसिडिटी में होता क्या है, देखें जो ऊपरी परत होता है ना वो पूरी तरह से छिल जाती है, और ऐसे में जब भी मैं यहाँ पे जो है ओम चैंटिंग करता था तो यहाँ पे मुझे जो है वो पेन होने लगता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं प्रकृति से जुड़ा और नेचुरल डाइट ये सब किया, और आज पूरी तरह से एकदम जो है मैं स्वस्थ हूँ। मैं दो दो घंटे तक ओम चैंटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, आधे आधे घंटे तक तो मैं तकरीबन रोज़ ही कर लेता हूँ। मतलब इतना मज़ा आता है मेरे को करने में, इतनी खुशी होती है। मैं क्या फील करता हूँ, देखिए ओम चैंटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें ये पेट साफ़ करने में भी मदद करता है, ठीक है। आपको ये सुन के हैरानगी होगी, लेकिन ये सच है, ये पेट को भी साफ़ करता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस हम देते हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशंस हम देते हैं वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में घूमता है, ठीक है। इस तरह से जो है जो भी चीज़ें हैं उसको आगे पुश करने में मदद करती हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है। हो सकता है ये इस बात से आप एग्री ना करें, लेकिन ये मेरा अनुभव है, मैं आपको ये बात अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। आप ग्रीन जूस पिए कोई भी और देखें, ग्रीन जूस इतना तेज़ी से आगे जाएगा अगर आप उसी दौरान तो नहीं, मतलब कि 20-25 मिनट के बाद ओम चैंटिंग अगर करेंगे तो वो ग्रीन जूस बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो इससे ये साफ है कि ओम का जो उच्चारण है उसके वाइब्रेशन से जो है इसकी वॉल्स हिलती हैं, जो इंटरनल जो ये जो हमारा इंटेस्टाइन्स है उसकी वॉल्स हिलती हैं, और जो है उस वाइब्रेशन से जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक उसी प्रकार से ये जो ओम चैंटिंग है इसका वाइब्रेशन हमारे नर्व्स में भी जाता है, हमारी नाड़ियों में भी जाता है, पूरे शरीर के जितना भी है, ठीक है। आप ओम चैंटिंग करेंगे तो उसका जो उच्चारण का जो वाइब्रेशन है वो नाड़ियों में भी ज़्यादा, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रीन जूस सफाई करता है, हालांकि उस लेवल की सफाई तो नहीं करेगा ये, लेकिन डेफिनेटली उसकी वाइब्रेशन जो है उसमें जाती है। तो इस तरह से एक तरह से ये कहीं ना कहीं क्लिंजिंग का काम करता है। जब मैं ओम का उच्चारण करके उठता हूँ तो मैं देखता हूँ इंटरनल सफाई हुई है, ठीक है, मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे अंदर की सफाई हुई है, मतलब इतना एक डिफरेंस जो है मैं महसूस कर सकता हूँ ओम उच्चारण से पहले और ओम उच्चारण के बाद। तो ये तो 2-3 चीज़ें जो मुझे जो है लगता है कि ये किस तरह से जो है काम करता है, ठीक है, पूरे शरीर की एक तरह से सफाई हो जाती है। आप खुद इसको करेंगे देखेंगे कि जो है ओम का उच्चारण करने से पहले और ओम उच्चारण के बाद, आज की तारीख में मैं अगर ओम का उच्चारण ना करूं, एक भी दिन मिस कर दूं, तो मैं जो है मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जैसे मिस कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं एक दिन ग्रीन जूस ना लूं तो मुझे पूरा दिन लगेगा यार आज मैंने कुछ मिस कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ओम का उच्चारण ना करूं तो मुझे लगेगा कि मैंने दिन में जो है आज कुछ ना कुछ जो है मिस कर रहा हूँ पूरा दिन।
तो इस तरह से आप सभी लोग जो है ओम का उच्चारण जो है उसे आप जो है अपने एक्सरसाइज में ज़रूर शामिल करें, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में जो है मेरी और भी 7-8 तरह की एक्सरसाइजेज है उसको करता हूँ, सबसे आखिर में ओम का उच्चारण, और उसके बाद ही जो है मैं वीडियो जो है आप लोगों के लिए शूट करता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।